Hello everyone. So today I'm gonna take you to the virtual tour of most cleanest and greenest realistic project in Zirakpur, where you're gonna meet nature daily. लेकर आया हूँ हाईलैंड पार्क जीरकपुर, मुझे लोकेटेड एट पटियाला रोड जीरकपुर, विच इज वेरी वेल कनेक्टेड टू पंचकुला, चंडीगढ़ एंड मोहाली एंड यस दिल्ली नेशनल हाईवे। सो इन दिस टाउनशिप यू आर गेटिंग शटल सर्विस, यानी कि एसी बस सर्विस आपको मिल रही है अगर आप रेजिडेंट हैं तो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर मैं लैंड पैच की बात करूं तो ये पूरा का पूरा लैंड पैच रहेगा 22 एकर्स का, जहां पर आपको लश ग्रीन पार्क मिल जाते हैं, जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक, गजीबोस, सिट आउट्स और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, एंड यस योगा एंड मेडिटेशन के लिए आपको अलग स्पेस मिल जाता है। इसी के साथ ही डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया भी आपको मिल जाता है। नाउ लेट मी टेक यू टू द क्लब हाउस। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ क्लब हाउस, जो कि रहेगा पूरा 28,000 स्क्वायर फीट का, जहां पर आपके इंडोर गेम्स आ जाते हैं, मल्टीपर्पज़ आपको हॉल मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, जिमनेजियम आपको मिल जाता है। इसी के साथ ही एडजॉइनिंग टू द क्लब हाउस यू आर गेटिंग द बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, क्रिकेट पिच, जो भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको फैसिलिटीज चाहिए वो सभी फैसिलिटीज़ आपको यहां पर मिल रही है। चलिए नाउ लेट मी टेक यू टू द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ दिस हाईलैंड पार्क। सो नाउ आई एम एट द फ्लोर। यहां पर इस फ्लोर के अंदर टोटल 4 अपार्टमेंट रहेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 अलोंग विद द 2 लिफ्ट्स, एंड हियर इज द एंट्री ऑफ आवर सैंपल अपार्टमेंट व्हिच इज 3 BHK इन 1730 स्क्वायर फीट का। सो इन दिस अपार्टमेंट यू आर गेटिंग 3 बेडरूम, 3 वॉशरूम, 4 बालकनी एंड अ पूजा स्पेस। सो लेट मी इलेबोरेट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट, जहां पर इन दिस साइड यू आर गेटिंग द एक्सेस टू द बालकनी। इसी के साथ ही यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर योर LED, एंड यहां पर यू आर गेटिंग द डाइनिंग एरिया, जहां पर यू कैन सी 6 सीटिंग डाइनिंग टेबल आराम से प्लेस हो सकता है, जहां पर अपनी फैमिली के साथ बैठकर लेविश मील को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो बस वो वाली चेयर पर बैठ जाऊँ और मम्मी को बोलूँगा मम्मी गरम गरम परोठे लाओ, राइट। सो यहीं पर आप एंजॉय कर सकते हैं, एंड इसी के साथ ही देयर इज अ स्पेस, जो कि मैंने आपको कहा था कि घर में एक पूजा स्पेस होने की बहुत जरूरी होती है, जहां से एक पॉजिटिव वाइब फुल डे आपके घर तक पहुंचती है। सो दिस इज द स्पेस, एंड इसी के साथ ही हेयर इज द स्पेस, जहां पर आपको मिरर मिल जाता है फॉर द लाइट, ताकि इस पूरे के पूरे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में नेचुरल लाइट की कमी बिल्कुल ना हो। एंड इस साइड आपको देयर इज अ स्पेस मिल जाता है, जहां पर आप अपने क्रॉकरी पैनल को रख सकते हैं एंड कोई भी डेकोरेटिव आइटम को रख सकते हैं, एंड इसी के साथ ही यू आर गेटिंग द प्रोविजन फॉर द AC। नाउ लेट मी टेक यू टू द हार्ट ऑफ द हाउस, किचन का। सो दिस किचन कम्स अंडर अ साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8x12, जहां पर सबसे पहले तो यू आर गेटिंग द स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, एंड हियर इज द पेंट्री स्पेस, नाइस। दीज अपर एंड लोअर कैबिनेट्स आर इंक्लूडेड, सो ऑल द कैबिनेट्स आर सॉफ्ट क्लोजर, हाइड्रोलिक कैबिनेट्स, नाइस। एंड इसी के साथ ही जो मार्बल टॉप देख रहे हैं आज इट इज ए प्रोवाइडर रहेगी, आपको प्रोविजन मिल जाती है फॉर हॉब, एंड दिस चिमनी इज इंक्लूडेड विद द परचेज, राइट। एंड यहाँ पर आपको गैस पाइप नोजल मिल जाती है, सिलेंडर आपका बाहर रहेगा, और डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। दिस साइड आपका आ जाता है वेट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाते हैं ड्यूल सिंक, एंड इसी के साथ ही RO एंड गीजर की प्रोविजन आपको मिल जाती है। नाउ लेट मी टेक यू टू द बालकनी।
So this is the balcony which is used as a utility balcony and इस area को आप washing area भी use कर सकते हैं which is very quite good in size at 6 feet wide and एक plus point देख रहे हैं इस पूरे apartment का जितनी भी आपको balcony मिलती हैं उन सभी balcony की railing quite impressive काफ़ी अच्छी हैं height में So this is all about the kitchen. Now let me take you to the first bedroom of this apartment. This is your first bedroom. Comes under a size of approximately 15 into 10.6. जहाँ पर same flooring जो आप देख रहे हैं as it is ये मिलने वाली है. You can see king size bed होने के बाद भी you have ample space for the movement. In this room you are getting the first of all this AC ducting. And a space for your LED and behind me is the access to the balcony which is further connected to your second bedroom and in this room you are getting one more thing this full length wardrobe good space and you know what this is scratchless और इसी के साथ ही हेयर इज द अटैच्ड वॉशरूम नाइस सो इन दिस वॉशरूम यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स जो भी आपको यहां पर दिख रही हैं एंड डिस्क टाइल्स फुल लेंथ वॉल टाइल इज इंक्लूडेड एंड ऑल द बेड फिटिंग्स विल बी देयर बस ये मिरर इज नॉट इंक्लूडेड एंड दिस वॉशरूम इज अ कॉमन वॉशरूम नाउ लेट मी टेक यू टू द सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट So this is your second bedroom. Comes under a size of 11 into 12.6. जहाँ पर firstly सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस bedroom की वो ये कि आपको दो fixed glass मिल जाते हैं for the purpose of natural light. It means इस पूरे room में natural light की तो कोई भी कमी नहीं होने वाली. And इसी के साथ ही आपको मिल जाती है AC की ducting provided. And जो flooring आप देख रहे हैं as it is a flooring provided रहेगी with the purchase. And यहाँ पर आपको मिल जाता है LED panel की provision. So यहाँ पर you are getting the full length wardrobe. With the good space and here is the attached washroom so in this washroom you are getting anti-skid tile full length wall tile all branded fittings will be there jo aap washroom dekh rahe hain as it is a washroom aapko provide rahega bas ye looking mirror nahi rahega and this washroom ka size dekh rahe hain aap ye jo shower area hai yahan par aap ek partition bhi kar sakte hain and for a light and ventilation purpose there is a window And this side, you are getting the access to the balcony. So again, this is a 6 feet wide balcony and with a good height railing. This balcony is further connected to the first bedroom, जो कि मैंने आपको first bedroom में बताया था. यहाँ से आप enjoy कर सकते हैं nature को. So after the tour of second bedroom, now let me take you to the third bedroom of this apartment. Come. So this is your third bedroom. जिसके साइज की अगर मैं बात करूं तो इट कम्स अंडर अ साइज ऑफ 11 इनटू 13.6 जहां पर सबसे पहले तो जैसी फ्लोरिंग आप देख रहे हैं एज इट इज ये फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड रहेगी और यहां पर आपको मिल जाता है एलईडी स्पेस जहां पर आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं अपने पॉपकॉर्न फाइट को इसी के साथ ही जब हम फर्दर एसाइड चलते हैं तो यहाँ पर यू आर गेटिंग दी फुल लेंथ वार्डरोब फॉर योर क्लोथिंग्स कम So here is your attached washroom. जैसा washroom आप देख रहे हैं as it is a washroom provided रहेगा with a sink and the WC and shower area and this window. But looking mirror is not included. Now let me take you to the attached balcony of this room. And it's a separate balcony. Wow. So this is all about 3BHK apartment of Highland Park. Hope आज का भी ये virtual tour आपको पसंद आया होगा. For more queries and details, the number is given below. मैं तो personally चाहूँगा आप आएँ और visit करें and feel करें इस पूरी की पूरी property को ताकि आपको पता चले कि क्या positive points यहाँ पर हैं. Thank you very much for keeping in touch with us.